नवजात की मौत हुई है। आरोपी युवक पर केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। हैंडपंप पर गंदगी फैलाने पर गुंडों ने की मारपीट, गर्भवती के पेट पर यहां पर मारा गया है और उसकी वजह से आरोपी युवक पर अब केस दर्ज हुआ है। हैंडपंप पर गंदगी फैलाने पर गुंडों ने पीटा, हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल हुई थी रेफर यहां पर पीड़िता। पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमार्टम भी कराया है। तालबेहट के रमेशपुरा का ये मामला बताया जा रहा जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक गर्भवती की पिटाई की गई है। ललितपुर में गुंडों के द्वारा गर्भवती को बेरहमी से पीटा गया है और फिलहाल अभी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गर्भवती के पेट पर मारने से नवजात की मौत हो गई। आरोपी युवक पर केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी। संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, आरोपी के खिलाफ एक्शन क्या और क्या कुछ अभी तक बयान दिया है उसने? शिवांगी जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला तालवर क्षेत्र के मऊ ग्राम पंचायत के रमेशपुरा का है, जहां पर एक गंदगी हेडपंप का गंदगी फैलाने को लेकर एक जो दबंगा लड़का है उसने एक गर्भवती महिला को पेट में लात मार दी थी, जिससे उसके पेट में पल रहे गर्भ की मौत हो गई है। वही महिला की हालत अभी गंभीर बताई गई है, उसको झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो शिवांगी जी ये कि जब पुलिस तालवट पुलिस के पास जब पीड़ित महिला पहुंची तो उन्होंने उसका मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा तो उसको पॉजिटिव रिपोर्ट वहां बता दी गई, पॉजिटिव बताएं जिससे उसको भर्ती करके उस मामले को रफा दफा किया जा सके। उसके बाद महिला किसी तरह ललितपुर आई, ललितपुर में उसने मेडिकल जांच कराई तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो माने जो जिस तरह से मेडिकलों में जो कोरोना की रिपोर्टें आ रही है वो इतनी भ्रमित करते हैं कि पैसे लेकर माने किसी को पॉजिटिव बता रहे हैं किसी को नेगेटिव बता रहे हैं। तो उसमें महिला ने अपनी शिकायत एसपी से की, एसपी ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। वही